खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां शाजापुर जिले में जन सुनवाई के दौरान 80 वर्षीय बुजुर्ग कलेक्टर का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। उसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। इसे उनसे मुक्त कराने के लिए बुजुर्ग कलेक्टर के पैरों पर गिर गया। हालांकि बुजुर्ग द्वारा पैर पकड़ने पर डिप्टी कलेक्टर ने फटकार लगा दी। आपको बता दें कि जन सुनवाई के दौरान डिप्टी कलेक्टर अजय श्रीवास्तव मीडिया कर्मियों पर भी भड़क गए और उन्हें कवरेज करने से मना कर दिया। वहीं 80 वर्षीय बुजुर्ग अपनी जमीन का कब्जा दिलाने के लिए शाजापुर जिला कलेक्ट्रेट के यहाँ जन सुनवाई में गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी, बहू और पोते भी गए थे। इसी दौरान बुजुर्ग जन सुनवाई कर कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के पैर पर गिर पड़े और अपनी जमीन दबंगों से मुक्त कराने की गुहार लगाने लगे। बुजुर्ग ने कहा कि मैं परेशान हो गया हूँ, आप मेरे जिले के भगवान हैं, मेरी जमीन दिला दो। जिस पर कलेक्ट्रेट ने बुजुर्ग को बोला, ये किसने बोला है, ऐसा करने के लिए खड़े हो जाओ, इस तरीके से नहीं किया जा सकता। दरअसल शाजापुर जिले के बुजुर्ग की 2 बीघे जमीन कृषि उपज मंडी के पास है। सन 2002 में इस जमीन पर 4 फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से 1.5 बीघा पर कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद बुजुर्ग ने जिला प्रशासन के सामने गुहार लगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई न होने पर बुजुर्ग ने सिविल न्यायालय शाजापुर में वाद दायर किया। उसके बाद सिविल न्यायालय ने चारों रजिस्ट्रियों को अमान्य कर दिया।